उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ने नगरीय की ओर से अनोखी पहल शुरू की गई है। G20 के तहत किए गए सौंदर्यीकरण की निरंतरता को बनाए रखने के लिए थूकना मना है। दरअसल लखनऊ नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया है कि सड़कों पर थूकना मना है। इस अभियान के दौरान जो भी सड़कों पर थूकता हुआ पाया जाएगा उसको माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ उस पर करीब 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा और अभियान के तहत सड़कों पर थूकने वालों को मिस्टर पीकू कहा जाएगा। हाँ, ये 23 फरवरी से 1 मार्च तक व्यवहार परिवर्तन के लिए थूकना मना करके एक अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोग ऑटो यूनियन, एनजीओस और हमारे जितने भी पब्लिक है उनसे संवाद संपादित करते हुए एक व्यवहार परिवर्तन के लिए इसका एक जागरूकता के लिए कैंपेन चला रहे हैं। इसमें फ़ाइन भी रखा गया है और पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे फसाद डेवलप किए गए हैं, सिटी ब्यूटिफिकेशन किया गया है, हमारे डिवाइडर्स पेंट किए गए हैं, इसके अलावा भी ओपन में कहीं भी थूकना जो है वो स्वच्छता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में G20 को लेकर जो सौंदर्यीकरण किया गया था, जो सजावट किया गया था, उसको बरकरार रखने का जिम्मा नगर निगम लखनऊ ने संभाला है। नगर निगम टीम द्वारा एक अभियान की शुरुआत किया गया है जिसका नाम है थूकना मना है। इस अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी थूकता हुआ पाया जाता है तो उसे 250 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसे मिस्टर पीकू का खिताब दिया जाएगा। माला पहनाकर उसे समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि लखनऊ में कहीं भी थूकना अब ठीक नहीं है। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से स्वच्छता मिशन को लेकर नगर निगम टीम ने जिस जिम्मा संभाला है, इसको लेकर जगह जगह पर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि कहीं भी कोई थूक नहीं सकता है। अगर कोई थूकता हुआ पाया जाता है तो उसे जुर्माने के तौर पर 250 रुपये का चार्ज देना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का जो सौंदर्यीकरण हुआ था उसको बरकरार रखने के लिए जो जिम्मा नगर निगम टीम ने उठाया है उसको किस तरीके से धरातल पर लागू करती है और राजधानी लखनऊ को किस तरीके से स्वच्छता की ओर आगे ले जाएंगी। कैमरा पर्सन आयुक्त के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज़ लखनऊ।